नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। राजस्थान के एकीकरण को पूरा होने में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का। देखिए, मानचित्र से बताया गया है ये अपना राजस्थान है, ठीक है। यहां पे पड़ती है दिल्ली, जैसे मान लो यहां पर पड़ती है दिल्ली। ये दिशा उत्तर, ये दिशा दक्षिण, ये दिशा पूर्व, ये दिशा पश्चिम। राजस्थान, देखिए, दिल्ली से कोई आयोग चला राजस्थान का एकीकरण करने में, सबसे पहले आया इस क्षेत्र में, आया इस क्षेत्र को बोलते थे मत्स्य प्रदेश, पहले बोलते थे मत्स्य प्रदेश। इस कारण राजस्थान के पहले चरण का नाम पड़ गया मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। उसके बाद में राजस्थान का एकीकरण इस प्रकार से चलेगा, यहां से पूरा होकर ऐसे चलेगा घूमकर। तो उसके बाद में आता है पूर्वी, ये क्षेत्र पड़ता है इस, इसके बाद में इस क्षेत्र का नाम आया, ये पूर्व दिशा में स्थित होने के कारण दूसरे संघ का नाम पड़ा पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान का एकीकरण होने के बाद में यहां पर पड़ती है एक रियासत उदयपुर। अब पूर्वी राजस्थान में जब ये उदयपुर रियासत मिलेगी तो मिलने को कहते हैं संयुक्त, तो तीसरे चरण का नाम हो गया संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान के बाद में ये क्षेत्र है जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र आता है, जैसलमेर का आता है, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर इस एरिया को, तो यह बहुत बड़ा क्षेत्र होने के कारण इसे बोला गया वृहद, तो चौथे का नाम पड़ गया वृहद राजस्थान, चौथा चरण वृहद राजस्थान। अब पांचवा चरण वृहद राजस्थान जाकर मिलेगा मत्स्य से, तो वही मिलने को बोलते हैं संयुक्त, तो पांचवे चरण का नाम पड़ गया संयुक्त वृहत राजस्थान बोल सकते हैं, या वृहत्तर राजस्थान भी बोलते हैं, वृहत्तर, वृहत्तर राजस्थान। इस प्रकार छठे चरण का नाम हुआ राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। और सातवां चरण है जो कि वर्तमान राजस्थान बोलते हैं, जिसे राजस्थान। राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें थी, और 3 ठिकाने थे, ठीक है। पहला ठिकाना देखिए, इतना याद हो गया, आगे देखते हैं 19 रियासतों की बात करते हैं और 3 ठिकाने। नकुल, नैसे, नीमराणा, कुसे, कुशलगढ़, लैसे, लावा, ये 3 ठिकाने थे। नीमराणा आता है अलवर में, जब अलवर रियासत सम्मिलित होगी तो नीमराणा ठिकाना भी सम्मिलित होगा। बांसवाड़ा आता है, कुशलगढ़ आता है बांसवाड़ा में, और लावा पड़ता है जयपुर में। जब जयपुर रियासत सम्मिलित होगी तो लावा भी आ जाएगा। 19 रियासतें थी। अब देखिए, इनमें से पहली 3
पहली तीन बनी थी, तीन को याद रखना है, 1948 में सन याद करना है, फिर दो 1949 में, और ये 1950 में, और वर्तमान राजस्थान 1956 में। अब बात करते हैं, पहले चरण की बात करते हैं। उससे पहले मैं एक आपको सूत्र बता देता हूं, राज प्रमुख का सूत्र। राज प्रमुख, पहले चारों के राज प्रमुख याद करेंगे। राज प्रमुख का सूत्र है उदय, भीम, भोपाल, मानसिंह। उदय, भीम, भोपाल, मानसिंह। यह मानसिंह द्वितीय था। उसके बाद में बात आती है उद्घाटन करता, उद्घाटन करता, उद्घाटन करता थे गोडगिल, गोडगिल चाचा पटेल, ये इनका सूत्र है। गोडगिल, गोडगिल चाचा पटेल। उसके बाद में अपने बनाते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का सूत्र है SGML। अस से होता है शोभा राम कुमावत, शोभा राम कुमावत। जी से होता है गोकुललाल असावा, गोकुल असावा। एम से माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। एल से हीरा लाल शास्त्री, शास्त्री। अब पहले चरण की बात करते हैं, मत्स्य। पहला चरण मत्स्य संघ, मत्स्य संघ बना कब था? 18 मार्च 1948 को पहला बना, 18 मार्च को। इसके 7 दिन बाद यह बना पूर्वी राजस्थान, यह बना 25 मार्च 1948 को। इसके 1 महीने बाद यह बनता है 18 अप्रैल 1948 को। फिर बनता है वृहत राजस्थान, बनता है 30 मार्च, 30 मार्च को, और वृहत राजस्थान बनता है 15 मई 1949 को, और राजस्थान संघ बनता है 26 जनवरी, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, और लास्ट हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो पहले संघ की बात है 18 मार्च 1948 को, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? 4 रियासत, रियासत। इनका भी सूत्र है ABCD। ए से आता है अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। अब इनमें बनानी है राजधानी, तो मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। राजधानी कौन होगी? अलवर। उसके बाद में आता है राज प्रमुख की बात होती है, तो हमारा सूत्र है उदय, भीम, भोपाल, मानसिंह। तो राज प्रमुख कौन हो जाएगा पहले का? पहले का हो जाएगा उदय सिंह है, राज प्रमुख का नाम उदय सिंह है। उसके बाद में बनाना है उद्घाटन करता, उद्घाटन करता कौन थे? उद्घाटन करता थे गोडगिल, गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल एन वी गोडगिल।
दूसरा के हो गए अनवी गोडगिल। उसके बाद में प्रधानमंत्री की बात आती है, तो प्रधानमंत्री का सूत्र है SGML, तो प्रधानमंत्री कौन हो गए, प्रधान मंत्री हो गए हैं। एस का मतलब शोभाराम कुमावत, तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री है शोभाराम कुमावत, शोभा राम कुमावत। आपको बताया था कि पहला ठिकाना था निर्मा निम्राणा, तो अलवर का था, तो इसमें कौन सा पहला ठिकाना आप सम्मिलित हो गया, कौन सा हो गया, निम्राणा, जो कि जिस प्रकार रियासतों का विलय होगा वैसे वैसे ही ठिकाने सम्मिलित होंगे। अब बात करेंगे दूसरे संघ की, बात करेंगे पूर्वी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की ओर चलते हैं। दूसरा है पूर्वी राजस्थान, वहीं रियासतों की बात करेंगे पूर्वी राजस्थान की, रियासत, रियासत का सूत्र है इसका बाबो किको झाड़ो परसाटो। देखो बाबू किको झाड़ू परसाटो, सूत्र दो तीन बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, क्या है बाबू किको झाड़ो परसाटो, बाबू किको झाड़ो परसाटो, बाबू किको झाड़ो परसाटो, बा से बांसवाड़ा, बू से हो गया बूंदी, की से हो गया किशनगढ़, को से हो गया कोटा, जा से हो गया झालावाड़, डू से हो गया डूंगरपुर, पै से हो गया प्रतापगढ़, सा से हो गया शाहपुरा, टो से हो गया टोक। तो सूत्र क्या है बाबू किको झाड़ो परसाटो। अब बनानी है इनकी राजधानी, तो पूर्वी राजस्थान की राजधानी कौन सी थी, कोटा। इसकी राजधानी थी कोटा। अब इसके बाद में वही राज प्रमुख की बात आती है, अब राज प्रमुख कौन हो गए, पहले का दूधिय सिंह थे, तो दूसरे का कौन है भीम सिंह, तो कौन हो गए भीम सिंह। वही अब उद्घाटनकर्ता कौन होंगे, वही है उद्घाटनकर्ता, तो गोडगिल, गोडगिल मतलब दो बार है गोडगिल, तो इसके भी उद्घाटनकर्ता होंगे एन वी गोडगिल। इसके बाद में बात आती है प्रधानमंत्री की, दूसरा चरण है प्रधानमंत्री बनाना है हमें, तो प्रधानमंत्री कौन है, पहले चरण के थे शोभाराम कुमार, जी से होता है गोकुल असव, तो दूसरे के कौन थे गोकुल लाल असव। ये था हमारा दूसरा चरण, उसके बाद में हमें बनाना है तीसरे चरण की बात करते हैं। देखिए तीसरे चरण में, तीसरे चरण का नाम आता है संयुक्त राजस्थान, तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान कब बना था, इसकी दिनांक है 18 अप्रैल 1948 को, कब बना था 18 अप्रैल 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को बन गया था। अब देखिए पूर्वी राजस्थान में क्या शामिल होगी, कौन सी रियासत शामिल होगी पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान प्लस उदयपुर को सम्मिलित किया गया था इसके अंदर, संयुक्त राजस्थान बन गया था, उदयपुर रियासत को सम्मिलित करते ही ये हो गया था संयुक्त राजस्थान। हम इसके बात करते हैं
राज प्रमुख बात करते हैं, तीसरे चरण के राज प्रमुख कौन थे, तो राज प्रमुख की बात होती है तो तीसरे चरण के राज प्रमुख आते हैं भोपाल सिंह, भोपाल सिंह, भोपाल सिंह। फिर उद्घाटनकर्ता की बात आती है, उद्घाटनकर्ता, अब उद्घाटनकर्ता कौन हो जाएंगे, पहले के गोडगिल, दूसरे के भी गोडगिल, तीसरे आते हैं चाचा, चाचा किसको बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे, इनके उद्घाटनकर्ता आगे। अब बनाना है तीसरे चरण के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री अब कौन होंगे, सूत्र के हिसाब से आता है अम, अम पर आता है माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा, तीसरे चरण में कौन आते हैं, माणिक्यलाल वर्मा आगे प्रधानमंत्री की बात। अब बात होती है चौथे चरण की, बात आती है वृहद राजस्थान की, चौथा चरण, चरण नंबर चार, नाम है वृहद राजस्थान, बड़े क्षेत्र को बोलते हैं वृहद राजस्थान। इसका ये कब मिला हुआ था, 30 मार्च 1949 को, डेट पूछे तो क्या बतानी है, 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में कौन कौन सी रियासत मिली थी, संयुक्त राजस्थान प्लस, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा एरिया है ये वृहद राजस्थान, जैसे कि जैसलमेर, उसके बाद में आता है जयपुर, जोधपुर और सम्मिलित होती है बीकानेर रियासत, बीकानेर। संयुक्त राजस्थान में जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर रियासत मिलकर नाम हो गया इसका वृहद राजस्थान, दिनांक 30 मार्च 1949 को। अब इनके राज प्रमुख का नाम लिखना है, राज प्रमुख, राज प्रमुख चौथे चरण के कौन हो गए, मानसिंह, ये थे मानसिंह द्वितीय, तो राज प्रमुख का नाम आ गया मानसिंह द्वितीय। अब उसके बाद में आते हैं उद्घाटन करता आते हैं, उद्घाटन पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल से हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हो गए इनके उद्घाटन करता। अब रही बात चलती है प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन है, हीरालाल जी शास्त्री, एल से बन गया हीरालाल शास्त्री, तो हीरालाल शास्त्री चौथे चरण के प्रधानमंत्री कौन है, हीरालाल शास्त्री। ये था चौथा चरण जिसकी 30 मार्च 1949 को मिला था। उसके बाद में बात आती है पांचवें चरण की, बात करते हैं हम पांचवा चरण, पांचवें चरण का क्या नाम है, बृहत्तर राजस्थान, बृहत्तर राजस्थान। इसकी दिनांक क्या है पांचवें की, 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को बृहत्तर राजस्थान किसमें मिला था, मत्स्य संघ में मिला था। तो देखिए वृहद राजस्थान में मिला था, वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ, ये दोनों मिलकर बनता है वृहद राजस्थान। अब राजधानी कौन सी हो जाएगी, जयपुर बन जाएगी, पांचवें चरण की राजधानी कौन सी होगी,
जयपुर। राज प्रमुख तो वही रहेंगे जो चौथे चरण के थे। राज प्रमुख है मानसी है द्वितीय और उद्घाटनकर्ता कौन होंगे? उद्घाटन करता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल और प्रधानमंत्री की बात आती है तो प्रधानमंत्री है हीरा लाल शास्त्री। ये था पांचवा चरण। उसके बाद में बात आती है छठे चरण जिसका नाम पड़ा था राजस्थान संघ। नंबर छह छठा चरण राजस्थान संघ। राजस्थान संघ की दिनांक है 26 जनवरी 1950 को। इसमें क्या था? सिरोही जिला। सिरोही जिले में अब्बू व देलबाड़ा को छोड़कर सम्मिलित किया गया था। सिरोही जिले में अब्बू देलबाड़ा को छोड़कर सम्मिलित किया। सिरोही जिले में किसको छोड़ा गया था? अब्बू है देलवाड़ों को छोड़ दिया गया था, बाकी को सम्मिलित कर दिया गया था। इनके प्रधानमंत्री वही रहेंगे हीरा लाल जी शास्त्री रहेंगे। राज प्रमुख हो जाएंगे मानसिंह हैं द्वितीय। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इस समय इसका नाम था राजपुताना जो कि बदल कर दिया राजस्थान। अब बात करते हैं सातवें चरण और लास्ट चरण की बात करते हैं जो कि हमारा वर्तमान राजस्थान है। सातवां चरण वर्तमान राजस्थान। राजस्थान अपने स्वरूप में कब आया था तो कोई पूछे तो ये आता है 1 नवंबर 1956 को आया था। 1 नवंबर 1956 को आया था। इसमें क्या है? सम्मिलित क्या किया गया था? एक तो किया गया था अजमेर मेरवाड़ा प्लस सिरोही का क्षेत्र है जो कि अबू देलवाड़ा, अबू देलवाड़ा को भी सम्मिलित किया गया था प्लस सुनेल टप्पा, सुनेल सुनील टप्पा में जो सिरोन क्षेत्र है, सिरोन क्षेत्र उसको मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया था, उसको छोड़ा गया था। ये सिरोन क्षेत्र है इसको छोड़ दिया गया था, ये मध्य प्रदेश में सम्मिलित कर दिया गया था। उस समय प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री कौन थे? हीरा लाल जी शास्त्री। मुख्यमंत्री हो गए हैं हीरा लाल शास्त्री। और राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था 1956 को। और नया पद राज्यपाल का, तो अपने पहले राज्यपाल थे श्री गुरमुख सिंह निहाल, गुरमुख निहाल सिंह। ये थे अपने पहले राज्यपाल। धन्यवाद दोस्तों, ये था राजस्थान का एकीकरण। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।